अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के फार्मर्स क्वेश्चन आंसर सेशन में जो हम पहला क्वेश्चन लेंगे, ये कामरान साहब का है, लाहौर में ऑडियो क्वेश्चन है। पहले हम ये सुन लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम कोशिश करते हैं कि इसका जवाब दे पाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, मेरा नाम कामरान अरशद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूं। आई वांटेड टू नो योर स्टांस ऑन केज लेयर फार्मिंग। व्हाट डू यू थिंक, इज इट एथिकली ओके टू डू दैट? इतनी ज्यादा मुर्गियों को इतनी छोटी जगह पे स्टैक कर लेना और फिर वो अपनी लाइफ ड्यूरेशन वहीं पे गुजारती है। तो व्हाट डू यू थिंक, इस छोटे जानवर को इसको उसके साइड इफेक्ट्स, उसके इल इफेक्ट्स होते हैं कि ये जस्ट हमारी एक ह्यूमनली एक थिंकिंग है इसके बारे में। और इसकी नो डाउट हम प्रोडक्शन तो ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन आया एग क्वालिटी उसमें आती है, उसमें कुछ उसके इफेक्ट्स आते हैं उस टेंशन के माहौल के। प्लीज़ लेट मी नो, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू कामरान साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल था। कामरान साहब ने ये पूछा है कि जो केज फार्मिंग है, जो हम पिंजरे यूज़ करते हैं, जैसे वाइट लेयर में यूज़ होते हैं, क्या वो यूज़ करने चाहिए एथिकली, अखलाकी तौर पे? और दूसरी एक वजह ये है कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं बर्ड पे। तो कामरान भाई, असल में जो केज फार्मिंग है ना, जैसे जैसे फार्मिंग कमर्शियल हो रही है तो तरीक़ाकार भी जो है ना प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। केज फार्मिंग ज़्यादा वो फार्मर यूज़ करते हैं जो वाइट लेयर का काम कर रहे होते हैं। असल में वाइट लेयर में होता है कि प्रॉफिट मार्जिन बड़ा थिन होता है और मार्केट रेट बड़ा ना कंपेटिटिव होता है। आप किसी से 30-40 रुपए ऊपर नहीं अंडा बेच सकते, जो रेट है वही करना। तो क्या आपके पास मार्जिन होता है कि आप अपनी कास्ट कम करते हैं? अच्छा, केज फार्मिंग में कास्ट किस तरह कम होती है? जैसे फ्लोर पे आप बर्ड रखते हैं ना, तो जब फ्लोर पे आप बर्ड रखते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि बर्ड घूमता फिरता है, उसका एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होने से अगर आप वाइट लेयर भी फ्लोर पे रखें, 92-93-94% तक जाती है। और केजेस में हमने देखा है 97-98% तक भी लोग ले लेते हैं जो है ना प्रोडक्शन। एक तो फ़ायदा ये है कि आपकी 3-4% जो है ना प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। दूसरा एक जो नुकसान हो रहा था वो ये होता है कि जब आप फ्लोर पे मुर्गी रखते हैं तो आप बर्तनों में फीड डालते हैं, तो ऑन एवरेज 5-7 ग्राम जो है ना वो फीड का ज़िया हो रहा होता। तो जो फार्मर है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मिनिमम भी वाइट लेयर रखी होती है 25-30 हज़ार होती है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको कहता हूँ कि 5 ग्राम है फीड, तो आज फीड का रेट है 123 रुपये जो लेइंग फीड है, और पर ग्राम फीड 12 पैसे की, 12.5 पैसे की, और 5 ग्राम फीड है 61 पैसा की। और अगर आप 25,000 बर्ड पे मल्टीप्लाई करें तो ये 15,375 रुपये का आपका फीड का ज़िया हो रहा। और अगर आप इसको 30 पे करें तो तकरीबन ये 4,61,000, 4.5-5 लाख का नुकसान हो रहा है। आपकी जो फीड नीचे गिर रही है, जो किसी खाते में नहीं आ रहे। दूसरा जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो अलग है। तीसरी एक जो चीज़ होती है वो ये होती है कि वाइट लेयर में ना 100 रुपया रेट पर क्रेट पर पेटी ऊपर होती है वो अंडा जो केज का होता है, क्योंकि वो साफ सुथरा होता ना। जो दूसरा फ्लोर का अंडा होता है वो फ्लोर पे भी आ जाता है, वो नेस्ट में आता है, उससे होता ये है कि आपका अंडा गंदा भी होता। तो जो दूसरा अंडा होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे ही आना है वो केज से फ्लो करना है और वो आपके पास पहुंच जाना। तो इस वजह से 100 रुपया रेट उसका भी ज़्यादा होता है। तो जो फार्मर्स, बड़े फार्मर्स होते हैं ना, वो करते ये हैं कि वो कहते हैं कि यार हम ना केजेस लगा लेते हैं, उससे ये कास्ट हमारी कम हो जाती है। अब केज भी दो तरह के, एक ऑटो केज होते हैं और एक कराची केज, बैटरी केज जिनको कहते हैं। एक तो केज होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें फीड पानी एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, आपकी लेबर कास्ट कम हो जाती है। जिधर आपने कह लें कि 10 बंदे रखने हैं, उधर 3-4 बंदों से काम चला सकते हैं। दूसरे केज वो होते हैं जो आप कराची केज होते हैं, वो सिर्फ केजेज होते हैं, उसमें मुर्गी रखते हैं और अंडा आपका साफ सुथरा आता है, मगर यह है कि फीड और पानी का सिस्टम मैनुअल होता है। तो एक ये भी वजह है कि लेबर कास्ट आपकी कम हो जाती है। उसके अलावा एक केज का फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप 25-30 हज़ार बर्ड चला रहे हैं, तो खुदा ना खादा कोई भी ऐसा मसला आ गया, क्रेजे का मसला आ गया, ज़ुकाम का मसला आ गया, तो वो एक वायरल होता है, सारे बर्ड तक फैल जाता है। फिर जब आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करना है, या आपके बर्ड की प्रोडक्शन कम हो गई है, 10% भी प्रोडक्शन कम हो गई है, तो आप जो है ना वो अल्टीमेटली सफ़र करते हैं। तो केजेस में ये होता है कि 5 बर्ड होते हैं, 7 बर्ड होते हैं, 4 बर्ड भी होते हैं, तो वो एक केज से दूसरे केज तक ट्रांसफॉर्म नहीं होता, आपका मेडिसिन का और बीमारी के इफ़ेक्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं।
तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो केज के होते हैं। मगर फ्लोर पे क्यों रखी जाती है, हमारे पास तो अभी ये ना कंसेप्ट नहीं मौजूद। वेस्ट में ये कंसेप्ट है, वेस्ट में बहुत से ऐसे कंट्रीज जैसे नॉर्वेजियन बेल्ट पे है, यूरोप में है, जिधर से केज का कंसेप्ट शुरू हुआ था ना। अब उधर ह्यूमन सॉरी जो एनिमल राइट्स वाले हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि किसी भी जानवर से अगर आपने फ़ायदा लेना है, आपने दूध लेना है उससे, अंडा लेना है, गोश्त लेना है, तो उसको उसकी नेचुरल रूटीन दें, जिस रूटीन में वो रहता है, ताकि वो अपना अच्छा लाइफस्टाइल उधार सके। तो उधर तो केजीज ममनू हैं, इवन बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिधर फ्री रेंज करना भी ज़रूरी है। मगर ये है कि इसका अल्टीमेटली कस्टमर पे करता है, हमारे पाकिस्तान में पे नहीं करता। आप यकीन जाने कस्टमर को आप बताएंगे कि ये फ्री रेंज है और ये कह लें कि ऑर्गेनिक है, तो हम ये सफ़र कर रहे हैं, तो वो कहते हैं अच्छा देसी अंडा, तो मतलब कंसेप्ट कहीं नहीं ना अभी आइडिया है। तो अगर आप पाकिस्तान में बड़े लेवल पे फार्मिंग करना चाहते हैं तो केज बेहतर है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। ब्राउन अंडे की फार्मिंग में अभी तक जो है ना प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है और आपकी सीलिंग प्राइस सेट नहीं है, तो लोग फ्लोर पे रख के इजीली जो है ना उसको कर सकते हैं। और यही एक मार्जिन है कि जो रिडंडेंट फार्मर है, ऐसा फार्मर है जो 2,000, 3,000, 5,000 वाइट लेयर डाला करता था, अब वो मार्केट में इसलिए सर्वाइव नहीं कर पा रहा कि कास्ट हाई हो गई है। फ्लोर पे मुर्गी रखनी है, बुरादे की कास्ट है, रैकिंग की कास्ट है, फीड का ज़िया है, बीमारी का खर्चा है, तो अल्टीमेटली जब वो साल बाद रिजल्ट निकालता है तो उसको ना होने के बराबर पैसे बचते हैं, क्योंकि सीलिंग सेट है ना ऊपर, उससे ऊपर नहीं जा सकते, आपने कास्ट ही कम करनी है। मगर ब्राउन में इस तरह नहीं है। तो अगर आप केजीज लगा लेते हैं तो बर्ड बहुत अच्छी प्रोडक्शन देगा। अब वो हैप्पी होगा कि नहीं होगा, जो एनिमल राइट्स वाले वो कहते हैं कि वो हैप्पी नहीं होगा, स्ट्रेस्ड होता है, मगर प्रोडक्शन वो देता जाता है। तो दीज आर दी प्लस एंड माइनसेस ऑफ केज। और मेरे से अगर पर्सनली पूछें तो मैं केज नहीं रिकमेंड करूंगा, ना केज लगाऊंगा, क्योंकि आप देखें मेरे अदारे का नाम भी ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान है और मैं जो ब्राउन अंडे की प्रोडक्शन लेके आया हूँ वेजिटेरियन फीड पे फ्री रेंज में कर रहा हूँ, मैं पर्सनली केज नहीं लगाऊंगा। मगर इट ऑल डिपेंड्स के जिन लोगों ने कमर्शियल प्रोडक्शन लेनी है, क्योंकि मेरा 2,000 से 2,400 से ऊपर का शेड ही नहीं है ना, तो इस वजह से मैंने यूनिट छोटे रखे हैं। कास्ट ऑल दो हाई है मगर वो प्रॉब्लम्स नहीं आते जो आने चाहिए। तो अभी अजान भी हो रही है तो वाइंड अप करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे मैं आंसर दे पाया हूं आपको। बाकी आप फार्मर्स का भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300-9641-990 पे आप व्हाट्सएप करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लिसन प्रेयर।